53% से ज्यादा दिल्ली वालों ने कम से कम बाहर जाकर वोट किया है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में छठे दौर की 58 सीटों के मतदान में आज हिस्सा लिया है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर तमाम छात्र आए हैं कॉलेजेस से जो अपनी बात रखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 58 सीटों पर भी वोट प्रतिशत को जो जो दूरबीन से देखता है कि वोट प्रतिशत के क्या मायने हैं, वो भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में लगभग 53% और ये 5 बजे तक के आंकड़े, ये आंकड़े अभी थोड़े बढ़ेंगे 6 बजे तक के आंकड़े जब आएंगे तो, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो आपको राजवार तरीके से बता दें। सबसे पहले बिहार, जहां पर 58.65% 2019 में वोटिंग हुई थी और इस बार 52% के आसपास हुई है, तो बिहार में वोटिंग हो गई। बंगाल में देखिए 77.99% है। एक एक करके तमाम आंकड़े आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 55.93% जो कि पिछली बार 70.5% था। जम्मू कश्मीर 51%। एक बार ताली बजनी चाहिए भाई जम्मू कश्मीर के लिए, कमाल कर दिया एकदम। आज अनंतनाग में वहां पर वोटिंग हो रही थी, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 98 के चुनाव, आप समझ लीजिए उससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहां पर रहा है। लगभग जम्मू कश्मीर के आंकड़े देखिए, जो 8.98% लोगों ने पिछली बार वोट किया था, वो नंबर इस बार पहुंच गया है 51.35%। दिल्ली वालों आपसे 2% पीछे है वो। मेट्रोपॉलिटन शहर, देश की राजधानी, लेकिन राजधानी में रहते हुए वोटर्स में जो उदासीनता मेट्रोपॉलिटन शहरों में, राजधानी में देखी जा रही है, वो एक बार फिर से उसी तरह से बरकरार है। दिल्ली में 53% के आसपास है। 61% झारखंड में है जो कि 64 था। 71% उड़ीसा में पिछली बार था, इस बार 59 है, लेकिन ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। कई लोग गर्मी की वजह से 5 से 6 के बीच में भी वोट डालते हैं अपना। उत्तर प्रदेश भी दिलचस्प है, 52% है 5 बजे तक, जो कि 54% था पिछली बार। पश्चिम बंगाल जहां पर 77.99 है, पिछली बार था 85%। और कुल आंकड़ा अगर आप देखिए तो पिछली बार था 64% 58 सीटों पर, इस बार है 57% वोट जो इन जगहों पर पड़ चुके हैं। अब हम आपको जल्दी से राजधानी दिल्ली की एक एक सीट वाइज दिखा देते हैं कि यहां पर क्या परिस्थिति है। 2019 में जहां चांदनी चौक में 62% वोटिंग हुई थी, 2024 में 53.27% यहां पर वोटिंग हुई है, ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहां पर रफ्तार ठीक मतलब मानी जाएगी तेज थी, 63.86% पिछली बार, इस बार 57, लगभग 58% है, अभी भी 5% पीछे है। ईस्ट दिल्ली जहां पर 61% पिछली बार, इस बार 53%। नई दिल्ली जहां पर 56% पिछली बार था, इस बार 50%। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर पिछली बार था 59% 59, वहां पर इस बार 53% 5 बजे तक। वेस्ट दिल्ली जहां पर 60.82% था, 54% इस बार। साउथ दिल्ली जहां पर पिछली बार 58 था, वहां पर 51%। कुल मिलाकर पिछली बार जहां 61% के आसपास 60.6% था, इस बार 53% है। यानी दिल्ली वालों थोड़ा सा दिल और हिम्मत और जिगरा दिखाइए, धूप गर्मी सब में निकलिए, वोट कीजिए। और कम से कम जितने लोग, अब तो खैर 6 बजे के बाद तो जो पहले लगे होते हैं लाइन में वही वोट कर पाते हैं। कोई नहीं है टक्कर में और कोई नहीं है चक्कर में, इसलिए देश हित में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज वोट हो रहा है और कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। भाजपा वाले अभी क्लेम करते हैं कि 400 पार, कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। बांसुरी जी, क्या आपको लगता है हैट्रिक होगी भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल होगी। आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आप बूथ पर बूथ जा रही हैं, क्या आपको कैसा जोश लग रहा है नई दिल्ली के अंदर? कि दिल्ली संकल्पित है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। पहले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आप जीते 2014 में और अब 19 में हंसराज हंस जी को टिकट दे दिया था, अब आप कांग्रेस आ गए हैं, क्या लग रहा है? हंसराज हंस जी ने सत्यानाश कर दिया है, उसका फायदा भी हमें मिल रहा है क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। और योगेंद्र चंदोलिया, इनको तो 9 बजे तक मैं हरा चुका हूँ।